समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला का किया आयोजन। समस्तीपुर जिला के पूसा प्रखंड स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा प्रत्येक साल की भांति इस बार भी 16 फरवरी से लेकर 4 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया है, जिसमें जिले के किसानों को भी आमंत्रित किए हैं। किसान प्रत्येक साल की भांति इस बार भी मेले का आनंद उठाने आएंगे। बता दें कि 16 फरवरी को दिन के 11 बजे खेलकूद मैदान में बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी को स्थानीय विधायक होने के नाते मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, जबकि वरिष्ठ नगर के विधायक और मुख्यमंत्री के करीबी अशोक कुमार एवं लाल बाबूराम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सकुरा दोनों माननीय को अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों को नई तकनीकी से खेती करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर किसानों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तो किसान नए तकनीकी से अत्यधिक पैदावार कर सकेंगे। और उन्होंने केले की खेती करने पर भी किसानों को जोर दिया। समस्तीपुर से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से अनुरोध, लाभान्वित हो कम जमीन में किस तरह से ज्यादा लाभ हो। अब जिस तरह से केला का देखे हैं, जो उसमें कितने प्रकार के सामान मिलता है, तो मैं समझता हूँ किसानों को यदि प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों को जानकारी दिया जाए, तो चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और हम लोगों के एरिया तो खास करके किसान खेती पर ही निर्भर करता है, तो किसान और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और हर चीज़ के देखे हैं, मतलब जितने भी दलहन हो, मकई हो और सब्जी का भी एक से एक चीज़ नया वैरायटी आया है, तो उसको किसान को केवल सीखना है किस तरह से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ावे खेत में, जो हमारा लाभ बढ़े। मैं समझता हूँ, मैं आग्रह करूँगा विशेषज्ञ को, जो प्रशिक्षण जब तक किसानों को नहीं दीजिएगा तब तक लाभान्वित नहीं होगा। इसीलिए आज कम से कम जो किसान आए हुए हैं उसको बताया जाएगा हर चीज़ के बारे में, तो किसान लाभान्वित होंगे और हमारा एरिया डेवलप करेगा और किसान, मैं समझता हूँ, अपने पैर के बल पर खड़ा हो जाएगा। सर,